गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 4 की फन टाइम एक्सरसाइज की थी। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, एडिंग थ्री डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। थ्री डिजिट नंबर्स का एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग मीन्स विदाउट कैरी। एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स इज सेम एज एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। थ्री डिजिट नंबर्स का एडिशन सेम है जैसा कि हम टू डिजिट नंबर्स का एडिशन पहले करते आए हैं। एग्जाम्पल है एड 135 एंड 242। यहां पर हम 100 टेंस और वंस के लिए एच टी और ओ लिखेंगे, उसके बाद वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस वाली डिजिट, टेंस प्लेस के नीचे टेंस वाली डिजिट और 100 प्लेस के लिए 100 प्लेस वाली डिजिट। यहां 135 लिखा, उसके नीचे 245 लिखा, उसके बाद स्टार्ट हमेशा हम वंस प्लेस से करते हैं, तो वंस प्लेस वाली डिजिट को पहले ऐड करेंगे 5 और 2 7। इसके बाद टेंस प्लेस पर आते हैं, 3 प्लस 4 7, 100 प्लेस 1 प्लस 2 3। दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों डिजिट्स को ऐड करने के बाद हमको 377 आंसर मिलेगा। एक एग्जांपल और समझते हैं, ऐड 412, 157 एंड 120। सेम जैसे ऊपर मैंने बताया था, 100 प्लेस के लिए H लिखेंगे, टेंस प्लेस के लिए T लिखेंगे और वंस प्लेस के लिए O लिखेंगे। उसके बाद वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस वाली डिजिट्स आएंगी, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस वाली डिजिट्स आएंगी और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस वाली डिजिट्स आएंगी। सबसे पहले वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 2 प्लस 7 9 होता है और उसके बाद किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे, कोई भी नंबर हो 0 अगर ऐड करते हैं तो आंसर वो नंबर सेम होता है। 2 प्लस 7 को ऐड करने के बाद हमको 9 आंसर मिला और 9 में जब हम 0 प्लस करेंगे तो आंसर 9 रहेगा। इसके बाद टेंस प्लेस पर आते हैं, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 और 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इन तीनों डिजिट्स को ऐड करने के बाद 689 आंसर हमको मिलेगा। अब एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। आज की डेट 15/7/2020 डालकर आपको अपनी कॉपी में ये 9 सम्स नोट करने हैं और उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट सम एज एन एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 3 में 2 प्लस किया 5। इसके बाद एक एग्जांपल और, 0 में 0 प्लस किया 0 आएगा। इसके बाद है 4 में 0 प्लस करना है, तो 4 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर हमको 4 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 0 प्लस करते हैं तो वो आंसर वो नंबर खुद होता है। और इसके बाद 2 में 2 प्लस किया, आंसर आया 4। आपको सम्स नोट करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस वाली डिजिट्स ही आनी चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस वाली डिजिट्स ही आनी चाहिए और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस वाली डिजिट्स ही आनी चाहिए। आप इधर उधर नंबर नहीं लिखेंगे, अगर इधर उधर नंबर लिखते हैं तो आंसर रॉन्ग होगा। लेट्स ऑल।